हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू स्मार्ट होम एक्सपो 2023। और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं एप्सन कंपनी के स्टॉल पर, और यहां पर लेज़र बेस्ड प्रोजेक्टर दिखाने वाले हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड है या इस तरह की बिजनेस में आप आना चाहते हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे आप? मीटिंग सर, आप कैसे? फाइन सर, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपना। जी, मेरा नाम राकेश है और मैं एक्सन कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ जी। हम नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, और ये हमारे हम डेमो लगा रखा है LS 12000B, जो कि एक लेज़र प्रोजेक्टर है। इसके जो रेंज है 6 लाख से स्टार्टिंग होती है इसकी। अच्छा जी सर, जैसे अगर इस प्रोजेक्टर की अगर बात करें सर, क्या डिफरेंस क्या रहता है? पहले भी प्रोजेक्टर्स आते थे, और अभी के प्रोजेक्टर में क्या डिफरेंस है? सर, ये जो एग्जीबिशन लगा है बेसिकली होम बेस लगा हुआ है, तो अभी जितने भी प्रोडक्ट हमने अलग रखे थे होम के प्रोडक्ट लगा रखे हैं। इसमें बिजनेस भी प्रोडक्ट आते हैं। बिजनेस की जो स्टार्टिंग होती है हमारी करीब 40,000 से स्टार्टिंग है, और अराउंड हमारे पास जो प्रोजेक्ट हैं वो है 90 लाख तक के अवेलेबल हैं। जो है वो कंपैरिजन है कि डिमांड के वैसे मार्केट की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम कोट करते हैं। जैसे ये जो लेज़र बेस्ड प्रोजेक्टर है, तो इसमें और पहले किस तरह के प्रोजेक्टर आते थे? पहले जो प्रोजेक्टर आते थे वो लैम्प बेस्ड आते थे, उनकी जो लाइफ होती थी 3 से 4 हज़ार घंटे की होती थी। पर ये लेज़र प्रोजेक्टर है, इसकी जो लाइफ है 20,000 आवर है, जो कि आपके 10 से 15 साल आराम से चलेंगे। अच्छा जी। और ये 4K में आते हैं? ये 4K में है सर जी। और कितने रिजोल्यूशन तक कितने जा सकते हैं? ये जो है हमारा 2700 लुमिनस का प्रोजेक्टर है, और ये 25 लक्स का इसका कंट्रास्ट इशू है। फुल HD 4K प्रोजेक्टर ये हमारा लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखते हो सर, स्क्रीन पे देखते हो, आप बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये LED TV नहीं है जी। क्योंकि जिस तरीके का कहते हैं ना, जिस तरीके का प्रोडक्ट लोगे उसी की तरह की स्क्रीन भी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट और स्क्रीन दोनों काम करते हैं जी। क्योंकि ये जो स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पे LR स्क्रीन है, जो कि लेज़र प्रोजेक्टर के लिए क्लियरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, LR स्क्रीन जी हाँ। तो अगर आप ले रहे हो तो LR स्क्रीन आप ले हाँ। सकते हैं, साथ में ले सकते हैं। इसमें इनबिल्ट साउंड सिस्टम नहीं आते यहाँ पर? साउंड सिस्टम वो सब सर आपका ऑप्शनल लेना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा कोट में। अच्छा, होम थिएटर के अंदर आप इस तरह के आप सिस्टम लगा रहे हो जी, तो ये सारा सिस्टम आप यहाँ पर लगा सकते हैं जी सर। अच्छा जी, जैसे ये तो आपका एक टाइप का मॉडल है, और दूसरा कौन सा मॉडल है सर? यहाँ पे हमने जो लगा रखा है 9400 लगा रखा है एक मॉडल। सॉरी, ये जो है ये भी लेज़र बेस्ड प्रोजेक्टर है। अच्छा हाँ, ये आपका LS 9400 मॉडल है इसका। ये जो है आपको 2700 में मिलेगा, और ये भी लेज़र है, और इसकी जो क्वालिटी है ये भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। फुल HD 4K सपोर्टेड मॉडल है ये भी। एंड यहाँ पर एक और, ये हमारा न्यू प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, ये जो है COHF02 है, जो कि टेबल टॉप प्रोजेक्टर है, और ये फुल HD विद एंड्रॉयड TV के साथ में है। इसमें एंड्रॉयड TV 5 स्टिक होती है, जो कि इसके अंदर इनबिल्ट है। ये टेबल टॉप प्रोजेक्टर जो टेबल पर रख के चलाया जाएगा। जैसे अगर जैसे कंटेंट की बात करें, कंटेंट किस तरह से आप इनपुट कर सकते हैं? इनपुट देने के लिए हम आपके इसके लिए वाईफाई पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप अगर इसमें लैपटॉप चला सकते हैं, आप अपना मोबाइल इससे कनेक्ट कर सकते हैं, अगर फायर स्टिक आप TV भी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कनेक्ट कर सकते हैं इसका। अच्छा, अगर जैसे बिजनेस वाइज देखिए सर, अगर कोई बिजनेस करना चाहे, अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स ही कैसे बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह का बिजनेस मॉडल होता है? अगर कोई बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहता है, जैसे कोई बिजनेस करना चाहता है या बिजनेस के यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए अलग अलग मॉडल आते हैं, जो कि हमारे खास बिजली एक बिजनेस कैटेगरी बनी हुई है जिसमें बिजनेस कैटेगरी में हमारे 30 से 40 मॉडल हैं, जो कि उसके थ्रू हम बिजनेस के में लाइन में ला सकते हैं उसको। अच्छा, और अगर कोई डायरेक्टली अगर ये इस तरह के प्रोजेक्टर अपना लेना चाहे तो वो कैसे ले सकते हैं? सर, हमारे जो है एप्सन के पार्टनर बने हुए हैं, जो कि पहले डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके रिजल पार्टनर्स आते हैं हमारे, उसके थ्रू आप इनको बिलिंग करा सकते हैं। अच्छा जी, अभी आप कॉन्टैक्ट शो कर सकते हैं सर, जिस पे कॉन्टैक्ट किया जा सके? कॉन्टैक्ट जैसे हम अगर नेहरू प्लेस में जाएंगे तो नेहरू प्लेस में हमारे करिश्मा है, इंटेक सिस्टम है। अगर होम बेस जाएंगे CR पार्क में हमारा AV जोन, जो कि हमारा रजिस्टर्ड पार्टनर है, SLR है हमारे गुड़गांव में, इन लोगों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दिल्ली NCR में दिल्ली हाँ जा सकते हैं। अब सापुट जट में भी है, तो ADS इक्विपमेंट भी हैं सापुट जट में, तो बहुत हैं अभी। वो एप्सन साइट पर भी जाके देख सकते हैं, जो भी हमारे रीजनल पार्टनर है, तो वहाँ पर आपको और जानकारी मिल सकती है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, अगर आप एक्सपीरियंस के बारे में देखें, जैसे अगर आप LED लगाते हैं और वहाँ पर होम थिएटर बना रहे हैं, और प्रोजेक्टर अगर आप लगा रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस रहता है? सर, एक्सपीरियंस में जब भी आप देख रहे हैं, जो आपको स्क्रीन मिल रही है या आपको LED TV मिलेगी, बस में कॉस्ट का काफ़ी इशू आया जी।
अगर इसी साइज में आपका कोई LED TV लेते हैं वो कम से कम 10 से 12 लाख की आपकी कॉस्ट करेगा, पर यही अभी आप हमसे जो प्रोडक्ट लगा हुआ है LS 5 12000B, यही आपका 6 लाख में प्रोडक्ट आपको स्क्रीन ये बना के दे रहा है। ये जो स्क्रीन है आपकी 120 इंच की स्क्रीन लगी है। अच्छा, हाँ, अगर इसी रेंज में आप कोई टीवी लेते हो वो करीब आपका 10 से 15 लाख का कॉस्ट करेगा। अच्छा, और इजी टू मूव है, इजी टू मूव आप कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी जाके अपना पार्क में यूज़ कर सकते हैं, या आपका पर्सनल लिविंग रूम में यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग रूम में यूज़ कर सकते हैं। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। चलिए सर, थैंक यू सर अपना अवेलेबल टाइम देने के लिए, धन्यवाद सर, थैंक यू।